बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी पढ़ रहे हो तब के लिए आप के लिए सारी मॉर्निंग मैंने इवनिंग और नाइट बोल दिया। चलिए भाई, तो देख रहा था कि आपके बुक्स में और तमाम बुक्स में कुछ ऐसे सर्किट दिए हुए हैं, ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट है रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का, जिसका तुल्य प्रतिरोध निकालना हमारे लिए बहुत कठिन था। तो इसमें मैं दो रूल पाया हूँ, एक तो आज बता दे रहा हूँ, सिमेट्री रूल। क्या? सिमेट्री रूल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री रूल। दो प्रकार के सिमेट्री रूल होते हैं, पहला मिरर सिमेट्री, दूसरा फोल्डिंग सिमेट्री। अभी मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक बात आपको बताए थे लेकिन फिर से याद दिला दे रहा हूँ। जैसे ये है, ये आर ओम के कई प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ओके, ये ए आर ए आर ए आर। देखिए, अगर आप 1/RE निकालते हैं तो क्या होगा? 1/R + 1/R + 1/R, दैट्स 3/R, आर इज इक्वल टू आर बाई 3। ध्यान दो, तीन तो 1, 2, 3 तीन थे तो तीन का भाग दे दिया। इसी तरह से अगर दो हैं तब क्या करेंगे? इक्वल रेजिस्टेंस के, समान प्रतिरोध के होंगे तब, तब के लिए नियम मैं बता रहा हूं ये, तब क्या करेंगे? आर आर, तो आर ई बराबर क्या होगा? आर बाई 2। निकाल के देख लेना, अगर एन रेजिस्टेंस हो, एन मतलब कि कुछ भी, 2, 4, 6, 5, 7, 10 कुछ भी हो, तो आर ई बराबर होगा आर बाई एन। ध्यान दीजिएगा, यह कब के लिए है? जब सभी प्रतिरोध समान हो और समांतर क्रम में जुड़े हो तो आर बाई एन। यहां देख रहे हो ना, आर आर जुड़ा था तो आर बाई 2 आ गया। जैसे आप देखिए यहां पर, ये 2R है, ये 2R है, तो आर ई बराबर क्या हो जाएगा? 2R/2 बराबर R हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों प्रतिरोध किसमें है? समांतर क्रम में है और समान है, तो तुल्य प्रतिरोध किसी एक प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? आधा। मतलब दो है ना तो R बाई 2, तीन होता तो तीन का भाग देता, चार प्रतिरोध जुड़े होते तो चार का भाग देता, पांच प्रतिरोध जुड़े होते तो पांच का भाग देता। ठीक है, लेकिन कब? जब सभी प्रतिरोध समान हो। इस बात को ध्यान में हमेशा रखिएगा, क्योंकि इससे मिरर सिमेट्री से या फोल्डिंग सिमेट्री से जो क्वेश्चन, जैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, समय कम, लगभग एक क्वेश्चन पर आपको मिलते हैं 60-70 सेकंड मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ रूल्स को जानना आवश्यक है, जिसको आप ट्रिक कहते हैं। फिर आज ट्रिक नहीं है, ये रूल है, करा मिरर सिमेट्री। तो पहले मिरर में देखिए, जब हम आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा सेम फिगर कहाँ बनता है? दूसरी तरफ बनता है ना। ठीक है, मिरर सिमेट्री देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ तो इसका मिरर एक 2R है तो यहाँ 2R नहीं है ना, इसका मतलब ऐसे नहीं हो सकता। अगर हम इसको करें ऐसे ऐसे करें, इसका इमेज यहाँ, इसका इमेज यहाँ बन रहा है ना, इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। क्या? मिरर सिमेट्री। ओके बेटा, अब क्या है, ध्यान दो, इसको ए और बी से क्या जोड़ेंगे? सेल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? सेल। तो चलो भाई, हमने सेल भी जोड़ दिया। सेल जोड़ दिया, तो
यहां से क्या ए वी है, ये जीरो है। चलो यहां से आई धारा निकल रही, आई धारा निकली, यहां आई आई, यहां बट गई क्या आई वन, यहां आई टू। जरा दर्पण में है ध्यान दो, यहां आ गई आई टू, यहां आ गई आई वन। ध्यान दो, शीशे में देखोगे तो यहां क्या दिखेगा आई वन, यहां क्या दिखेगा आई टू। देखो अभी हम लोग क्या किए थे, सर्किट का पहचान केवल करंट से कर रहे थे कि जिन प्रतिरोधों में समान धारा बह रही है। अभी तो बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा सर्किट लिया हूँ, इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि भाई मार्ग एक ही है। केवल अभी आपको मिरर सिमेट्री समझा रहा हूँ, अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। चलिए तो हम लोग अभी जो सवाल किए, समान धारा बह रही है इसीलिए ये सीरीज में है, समान धारा नहीं है इसीलिए पैरेलल में है, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ आई वन है तो दर्पण में देखने पर क्या लगेगा, यहाँ पर आई वन धारा है। लेकिन हमारे आपके लिए प्रॉब्लम कब हो जाएगी, अगर हम यहीं पर क्या एक और आर ओम का प्रतिरोध लगा दिए, आर ओम का प्रतिरोध लगा दिए, तब हम क्या करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन करवाया हूं जो बच्चे कंटिन्यूअस मेरा वीडियो देख रहे हैं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। तो कैप्सिकम में हम लोग पढ़े थे ये, अगर इसका इसका अनुपात जैसे टू अपान आर, टू आर अपान आर बराबर कितना हुआ टू, यहाँ पर टू आर अपान आर बराबर टू, अगर ऐसा समान अनुपात आ रहा है इसमें धारा नहीं बहेगी, इसमें आई बराबर क्या हो जाएगा जीरो। ध्यान दो, हुई डिस्टेंस हुई तो विथ स्टोन ब्रिज पर हम लोग ऐसा किए थे, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घबराओ मत, अब व्हीट स्टोन ब्रिज की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है इसमें सिमेट्री मेथड में। देखिए कैसे नहीं ज़रूरत है, अब आप बताओ, अब व्हीट स्टोन की बात मैं यहीं छोड़ देता हूँ, यही मैं छोड़ रहा हूँ। अब बताओ आप कि यहाँ से आई धारा निकली तो शीशे में यहाँ सॉरी आई वन धारा है तो शीशे में यहाँ आई वन दिख रही है, यहाँ आई टू धारा है तो शीशे में यहाँ पर क्या है आई टू धारा दिख रही है, इसका मतलब कि धारा इसमें गई ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, धारा इसमें गई ही नहीं, तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो गया जीरो, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं हुआ, इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं हुआ, ये फालतू में पड़ा हुआ है, ये फालतू में पड़ा हुआ है। अब देखो ये दोनों क्या है सीरीज में, ये दोनों क्या है सीरीज में। अब बताओ इसका अगर हम बनाना चाहें तो अब बताओ हमको कि ये सब मौखिक करना है, टू आर कितना हो गया बेटा फोर आर सीरीज में है, आओ आर और आर इसमें सीरीज में है तो आर वन धन आर टू कितना हो जाएगा ये टू आर। अब आओ ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, अब ये दोनों समान तो है नहीं कि आर अपान एन कर दें, ये फोर आर है ये टू आर है, तो वन अपान आर ई बराबर क्या हो जाएगा वन अपान फोर आर प्लस वन अपान टू आर, एलसीएम कितना हुआ 4R आर ना, यहाँ क्या हुआ 1 प्लस 2 टू या 4 टू, तो 3 अपान 4R आर, तो आर ई बराबर 4 अपान 3R निकल गया। नोट करें प्लीज इसको। चलो बेटा फोल्डिंग सिमेट्री पर काम करते हैं हम, फोल्डिंग सिमेट्री पर। तो फोल्डिंग सिमेट्री में सबसे पहले क्या काम करना है, अगर लग रहा है तो यहां टर्मिनल ए है यहां टर्मिनल बी है, ओके ए और बी के एक्रॉस जो है इसको मिला दो, दो भाग में कर दो। दो भाग में करने के बाद जरा देखो आधे के नीचे और आधे के ऊपर कि रेजिस्टेंस समान है कि नहीं, इधर देखो आर आर टू आर
टू आर, ओके ठीक है। जितना ऊपर दिख रहा है उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे दिख रहा है, चलो तो इसको हम बोलते हैं क्या, फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं इसको, फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। अक्रॉस द टर्मिनल होता है। और एक बात बताऊं, अब फोल्डिंग सिमेट्री में हम करंट नहीं देखेंगे, क्या करंट नहीं देखेंगे, तो फिर देखेंगे क्या, पोटेंशियल देखेंगे, विभव देखेंगे। देखिए आइए, अगर यहां का विभव मान लेते हैं यक्ष है, तो यहां का विभव क्या हो जाएगा, यक्ष। यहां का विभव अब देखिए यहां पर आर लगा हुआ, यहां का वाई तो यहां का वाई, यहां का जेड तो यहां का जेड। चलो अब आओ यहां देखो, ये रेजिस्टेंस आर जो है यक्स वाई के बीच जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस। अब देखो पहले मैं बता रहा हूं, यहां से मान लीजिए धारा हमने जोड़ भी दिया, एक समझने के लिए जरा देखो, तो धारा आई वन इधर गई, धारा आई टू इधर आई, समझने के लिए सिर्फ, ओके। यहाँ आई धारा थी, छोड़ दीजिए इसको, इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत है नहीं, नहीं केवल एक बात बताने के लिए। अब बताओ धारा तो यहाँ फ्लो करेगी ना, यहाँ भी फ्लो करेगी, और समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी प्रतिरोध समान बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं, समान बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं, ये सब बात आप लोग बहुत आराम से समझे हैं, ए और बी। तो देखो ये किसके, ये प्रतिरोध किसके किसके बीच में जुड़ा हुआ है, यक्स और वाई के, ये प्रतिरोध यक्स और वाई के, ये दोनों किस क्रम में हुए, समान बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में हुए, समांतर क्रम में हुए। अब देखो यहां देखो आर में, यहां का विभव वाई और यहां का विभव वाई, ध्यान दो पहले, जब विभव समान है मतलब विभवांतर नहीं है, इसमें धारा नहीं बहेगी, धारा तब तो बहेगी भैया, ऐसे ये ले लीजिए, इसका विभव 10 वोल्ट, V1 बराबर 10 वोल्ट और इसका V2 बराबर 10 वोल्ट, क्या धारा बहेगी, कदाप नहीं बहेगी। धारा बहने के लिए क्या चाहिए, विभवांतर कुछ चाहिए, यहाँ डेल वी कितना है, जीरो, जब डेल वी जीरो होगा, विभवांतर शून्य होगा, तो धारा नहीं बहेगी, मतलब इसमें धारा बही नहीं रही है, यहां पर करंट बराबर क्या हो जाएगा, करंट बराबर जीरो। इसका मतलब यह है कि क्या है, बेकार है, इसमें धारा ही नहीं बह रही, क्या हो गया ये, बेकार, बेकार का मतलब ये इसको ऐसे समझ लो, एकदम बेकार हो गया, ये बेकार हो गया ना। चलो भाई आओ, अब देखो करते क्या है कि ये R और R समांतर क्रम में है, क्योंकि एक्स वाई के बीच जुड़े हुए हैं, समान बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं। अरे आपको देखने में लग रहा है कि एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई यहाँ, अलग अलग है, तो वास्तव में ऐसे है एक्स वाई, ऐसे देखो पहले, ऐसे ऐसे एक्स ये वाई, ये R ये R, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R बाई टू, बोलो भाई। इसका देखो पहले, इसका ये मुश्किल से 30-35 सेकंड में हो जाना चाहिए, कर भी डालोगे 2R 2R, तो R ही कितना होगा, 2R अपॉन 2 बराबर R, ओके बेटा। तो अगर हम ध्यान दो पहले, ध्यान दो, हम दूसरी सर्किट नहीं बनाएंगे, तो ये बना के दिखाता हूं। अब इसका इसका रेजिस्टेंस कितना आया, R by 2, चलो भाई ले लिया हमने R by 2, अब इसकी जरूरत ही नहीं है, ये 2R by 2 बराबर R, ये B हो गया, ये क्या हो गया, B, ये ऐसे हो गया, हो गया कि नहीं, इसका इसका इक्विवेलेंस R by 2, इसका इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस R by 2, हो गया ना। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते बेटा, इधर देखो ऐसे करो, इसका इसका इक्विवेलेंस R by 2, तो हमने R by 2 कर दिया, इसे R by 2 और इसको यहां से मिटा दिया, खत्म कहानी। फट से देखो, इसका इसका 2R by 2,
कितना हो जाएगा आर टू आर बाई टू मतलब आर, इसको हमने क्या किया मिटा दिया। क्या देखो अब देखो इसमें तो करंट ही नहीं है, अब बताओ कि ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है, ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है, है? मतलब कि आर ई बराबर आर बाई टू प्लस टू आर अपॉन टू आर बराबर थ्री आर बाई टू, थ्री आर बाई टू, ठीक है। ठीक है बेटा ये निकल गया है आपका आंसर आ गया ये। अब सोचो अगर आप आर आर खट से इसको मारे आर बाई टू आर टू आर बाई टू करके तुरंत निकाल लिए इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ओके बेटा नोट इट प्लीज। चलो बेटा फिर क्वेश्चन लिया हमने, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट देखो जरा। अब प्रश्न उठता है जिसमें मिरर सिमेट्री लगाए या फोल्डिंग सिमेट्री लगाए। तो बेटा मिरर सिमेट्री के लिए हमको यहाँ खींचना होगा और इसके नीचे कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए मिरर सिमेट्री सॉरी फोल्डिंग सिमेट्री इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टर्मिनल को मिलाते हैं और टर्मिनल के नीचे कुछ है ही नहीं। तब क्या करें, एक ऐसा लाइन खींचे जिसके दोनों तरफ समान रेजिस्टेंस हो। जरा देखो इसको, देखो खींच रहा हूं, ये देखो मिरर सिमेट्री हमने लिया, मिरर सिमेट्री लिया, आर 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 आर, इसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, पूरा का पूरा प्रतिबिंब इसमें क्या हो रहा है बेटा बन रहा है। चलो यहां हमने सेल जोड़ा, इसमें यहां से आई करंट निकला, क्या हुआ आई करंट इसमें से निकला। अच्छा बेटा अगर यहां पर हम I1 देख रहे हैं तो शीशे में यहां कौन सा करंट दिखेगा I1। अरे यार यहां पर अगर हम I1 लिख दें तो यहां I1 दिखेगा कि नहीं शीशे में दिखेगा। अच्छा चलो यहां क्या हो गया I2, यहां क्या करंट दिखा I2, भाई I2 लिखोगे तो यहां I2 लिखा हुआ मिलेगा आपको। देखो इसका मतलब यह हुआ बेटा ये जो I2 करंट है सीधे निकल गया यहां और यहां तो आया ही नहीं, यहां तो आया ही नहीं, इसमें गया ही नहीं, ध्यान दो इसमें और इसमें गया ही नहीं। अब यही चेक करो, एक जगह चेक करो, यहां तो क्लियर है कि यहां बट जाएगा, बटने का चांस है यहां पर, लेकिन अब यहां कौन सा मिरर लगाएं। अब यहां जैसे I1 है तो यहां I1 लिख नहीं सकते, यहां यहां ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे I1 I2 I3 I4 ना, काम बढ़ जाएगा, क्या होगा काम बढ़ जाएगा, तब आपका 30-40 सेकंड में लगेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब ये जो है I2 धारा ये सीधे निकल गई यहाँ, क्योंकि शीशे हमने देखा था यहाँ आपको I2 दिख रही थी, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें धारा गई ही नहीं, इसमें धारा गई ही नहीं, हो गया इसमें धारा नहीं गई, क्लियर। अब ये क्या हो गए, क्या हो गए ये सीरीज में हो गए, क्या हो गए सीरीज। अब देखो यहां पर, देखो यहां पर आकर के अब देखो यहां पर I3 I4 यहां क्या दिखेगा, I3 यहां क्या दिखेगा I4, यहां I4 लिखा तो आपने यहां I4, यहां I3 लिखा तो आपने यहां पर I3। चलो बेटा अब हम बनाते हैं, चलो ये दोनों सीरीज में है तो क्या बन गया है आपका 2R, बोल यार R और R सीरीज में है ना, एक ही धारा बन रही I3 2R। अच्छा ये देखो आर और आर ऐसा आई फोर आई फोर, अब ये दोनों आर क्या है सीरीज में है, ये क्या हो जाएंगे टू आर। चलो कोई बात नहीं,
और ये देखो आर और आर किसमें है, टू आर टू आर, और ये निकल गया ऐसे, ये है आर, ये है आर, ये पॉइंट ए है, टर्मिनल ए टर्मिनल बी, ओके हुआ। लेकिन नहीं नहीं सॉरी यार, ये कहाँ जुड़ा है, ये तो आलस से जुड़ा है ना, ये सॉरी सॉरी ये यहां से जुड़ा हुआ है, ये टू आर यहां हुआ, आर और आर टू आर यहां हुआ, ये क्या है, ये आर है, ये ठीक है, ये बी हुआ ठीक। अब बताओ कि ए और ये समांतर क्रम में है, बोलो, क्योंकि यहां जो धारा जाएगी दो मार्गों में बट जाएगी, समांतर क्रम में है, तो इसका रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना होगा, टू आर अपान टू, तो क्या इसको मैं मिटा न दूं और टू आर अपान टू कर दूं, तो बराबर आर नहीं हो जाएगा, हो गया ना। चलो अब देखो, यहां से धारा बट रही है, यहां धारा बट रही है, ये आर ये आर ये आर तीनों क्या है, सीरीज में है, तो आर बराबर आर वन धन आर टू धन आर थ्री, तब ये क्या हुआ, ये थ्री आर हो गया ठीक, अब ये कितना हुआ, टू आर हो गया, कितना हो गया, टू आर। अरे भैया यहां तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है यार, ये वाला रेजिस्टेंस तो खा ही है हम लोग, ये वाला रेजिस्टेंस तो हम लोग नहीं यार, है तो ये तो आर यहां पर है, ये क्या हो गया, टू आर, हम खुद ही भूल गए, बड़ा भुलक्कड़ हूं यार। चलो ये हुआ, अब ये सीरीज में है, ये आर नहीं हुआ, चलो कितना हो गया, ये टू आर, ए और ये कहां है, सीरीज में है, ए आर ये क्या हुआ, ये टू आर ठीक। और जरा क्वेश्चन में देखूं कुछ, हाँ अब ये देखो, ये वाला ये और ए टू आर, और ये देखो आर, ये आर, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, ओके। अब जरा देखो टू आर आर बाई थ्री सही बना रहे थे हम, ये टू आर बाई टू हो गया ना, बोलो भाई, तो ये दोनों समांतर क्रम में है और समान प्रतिरोध है, तो क्या हो जाएगा, ये टू आर अपान टू, टू आर अपान टू बराबर आर, यही बता भी रहा था मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता बेटा ये तीनों क्या है, समांतर क्रम में है, सॉरी श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, थ्री आर, कितना हो जाएगा थ्री, और इसका कितना है टू आर, अब ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी। अब तार से निकाल लो, वन अपान आर ई बराबर वन अपान थ्री आर प्लस वन अपान टू आर एल सी एम सिक्स आर दूनी दो धन तीन बराबर फाइव अपान सिक्स आर, तो आर ई बराबर कितना हो जाएगा, सिक्स अपान फाइव आर, सिक्स अपान फाइव आर, दिस इज योर आंसर। सरल लग रहा है कि नहीं, चलिए नहीं तो यही जो रेस्ट जो यहां मिला हुआ था इसी को लेके पागल हो जाते। सॉरी यार दिख नहीं रहा है भाई साहब, या
सॉरी दिख नहीं रहा था फिलहाल, तो केवल कैलकुलेशन है। अब ये क्वेश्चन जरा देखो बेटा, सब आर ओम के हैं, आर आर आर, क्या यार क्या यार, सब यार हो गया ना। अब देखो, चाहूं तो मैं एक टर्मिनल के एक क्रॉस फोल्डिंग सिमेट्री लगा सकता हूं, इधर आर इधर आर, इधर आर इधर आर, या अगर इसके क्रॉस ले लूं तो देखो इसका यहां आर यहां आर यहां आर यहां आर, सबका प्रतिबिंब बन रहा है। चलो सबसे पहले मैं फोल्डिंग सिमेट्री लेता हूं, दोनों से हल करता हूं इस क्वेश्चन को, किससे, दोनों से फोल्ड मिरर सिमेट्री लेता हूं, इसके बाद फिर क्या क्या लूंगा बताओ बताओ, क्या लूंगा, फोल्डिंग सिमेट्री लूंगा इसके बाद, ठीक है, दोनों को दोनों से कर देता हूं। चलो अब बताओ बेटा, यहां से करंट आई गया आई वन आई टू आई थ्री, ओके, यहां क्या दिखा, यहां आई टू है तो यहां क्या दिखेगा आई टू, यहां आई थ्री है तो यहां क्या दिखेगा आई थ्री, यहां आई वन है तो यहां क्या दिखेगा आई वन, दिखेगा कि नहीं दिखेगा बोलो। I2 यहां तो I2 टू यहां, भाई लिखो नहीं इसे लिख दो और शीशे में देखो, तो यहां अगर I2 है तो यहां I2, यहां अगर I1 है तो यहां I1, यहां अगर I3 है तो यहां I3। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें धारा गई ही नहीं, इसमें धारा गई ही नहीं, बोल यार, अरे I1 गई, I1 यहां लौट आई, यहां दिख रहा है, I2 यहां था तो I2 यहां दिख रहा था, यही चेक करो, I2 निकला सीधा यहां, I2 निकल गया, इसका मतलब कि इन दोनों में कनेक्शन नहीं है। I2 निकली, I2 प्रवेश की, I2 निकल गई, इसका मतलब कि ये जो ऐसे था इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए ये दोनों प्रतिरोध क्या हो गए, बेकार हो गए, बेकार हो गए कि नहीं, अब बोलो, अब तो हो गए बेकार। अब क्या करना है बेटा, इन दोनों में सेम धारा, इन दोनों में सेम धारा बह रही है, लल्ला मेरे इस सीरीज में हो गए तो R1 प्लस I2 R प्लस I2 R हो गया, ये क्या हो गया 2R। अब देखो ये भी सीरीज में है, ये कितना हो गया 2R हो गया, ये देखो भैया यहाँ I3 यहाँ I3, ये किस में हो गए, ये भी 2R हो गया, सबको ये जगह जोड़ दो मेरे लल्ला, जोड़ दो, ठीक है, इसमें तो धारा आई ही नहीं, तो तीन समान प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो आर ई बराबर टू आर अपॉन थ्री, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, टू आर अपॉन थ्री, नोट इट प्लीज। अब चलिए हम क्या लगाते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री, क्या लगाते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री लगाते हैं, हटाओ यार इसको। चलो जब बेटा फोल्डिंग सिमेट्री लगाएंगे तो टर्मिनल के एक क्रॉस लगाएंगे, ये इधर ले जाएंगे, ये क्या हो गई फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री हो गई। फोल्डिंग सिमेट्री बहुत आसान है यार, यहाँ आर यहाँ आर यहाँ आर यहाँ आर, ये तो बीच में है बेचारा, अब चलता हूँ मिला दो, मिला दो मिला दो, अच्छा इसको जोड़ दो बैटरी से, सेल से इसको जोड़ दो मेरे बाबू, ये जीरो ये भी, विभवांतर कितना हुआ भी, यहाँ का पोटेंशियल भी, बीच में कुछ भी नहीं है भी, यहाँ जीरो 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 जीरो, यहाँ क्या हो गया जीरो, पोटेंशियल देखेंगे। अब चलो अगर यहाँ का यक्स तो यहाँ का यक्स, ओके, अब कुछ भी नहीं देखना है। अब देखो ये किस में जुड़ा हुआ है जरा बताओ, वी और यक्स के बीच में, ये किस में जुड़ा हुआ है, वी और यक्स के बीच में, समान बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, इसीलिए दोनों क्या हैं समांतर क्रम में हैं। इधर देखो ये यक्स और जीरो के बीच में, ये यक्स और जीरो के बीच में, दोनों किस क्रम में हैं समांतर क्रम में हैं, ओके ओके। अब इसमें जरा देखो, इसमें देखो इसमें देखो इसमें देखो, यक्स और यक्स, यक्स और यक्स, विभवांतर क्या है जीरो, इसमें आई बराबर धारा बराबर करंट बराबर, इसमें क्या हुआ
धारा बराबर जीरो, मतलब इसका कोई संपर्क ही नहीं है, खत्म हो गया बेचारा ये। अरे भाई विभवांतर समान है, धारा नहीं बहेगी ना साली, विभव समान है तो धारा नहीं बहेगी, क्योंकि विभवांतर क्या है? जीरो। धारा बहने के लिए विभवांतर का मान जीरो से बड़ा होना चाहिए ना, तो यही चीज है, इसमें तो धारा बही नहीं। ठीक ठीक, अब चलते हैं बाबू, क्या चलते हैं अब बताओ, ये दोनों समांतर क्रम में है इसलिए मिटा दो इसको, खत्म करो कहानी इसकी, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R बाई टू। ये देखो यक्ष जीरो के बीच जुड़े हुए हैं, इसको मिटा दो, आप चाहोगे डायरेक्ट मिटा सकते हो, ये कितना हुआ R बाई टू, इसमें तो धारा ही नहीं है, काम खत्म। ये देखो ये मिल गया आपको, धारा खत्म, इसमें आप इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब बताओ ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि वी और जीरो के बीच में जुड़े हुए हैं, बीच में और कुछ नहीं है, हाँ। क्या कहा जी, यक्ष था ना, यक्ष था हाँ? तो यक्ष तो था मेरे भाई, चलो उत्तर तो सेम आना चाहिए ना। चलिए आई टू धारा जा, हाँ आई किससे निकाल रहे हैं, सेमेट्री से निकाल रहे हैं, तो आई टू कोई मतलब ही नहीं हुआ, यहाँ पर कोई मतलब नहीं हुआ आई टू का। ठीक है, ये वी और जीरो के बीच में जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप तो कट गया है ना, ये क्या हो गए सीरीज में, ये क्या हो गए सीरीज में, R बाई टू धन R बाई टू बराबर R, अब ये क्या हो गया ये R, ये क्या हो गया ये आपका 2R, 2R, बोलो भाई, A, A और B, अब 1/RE बराबर 1/R प्लस 1/2R, LCM 2R, 2+1 बराबर 3/2R, RE बराबर 2R/3। देखो दोनों में आंसर सेम आया, दोनों में आंसर क्या आया, सेम 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 आया, शर्म नहीं, सेम मतलब कि समान, चाहे आप फोल्डिंग सिमेट्री से लगाए, चाहे आप मिरर सिमेट्री से लगाए, RE तो 2R/3 आया, मिला लो, नोट करिए प्लीज। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है सब ना, इसमें जरा देखिए कि मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री दोनों लग सकती है, अगर यहां से ले लें ऐसे तो मिरर सिमेट्री हो जाएगी, आर 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 आर, अगर इसके टर्मिनल से ले लें, मिला दें इसको ऐसे, ये क्या हो गई फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री थोड़ा सा आसान होती है, नहीं कुछ करना है तो क्या कर देना है, नीचे वाला मिटा देना है, नीचे वाला मिटा दो ऊपर वाला आधा कर दो, नीचे वाला मिटा दो ऊपर वाला आधा कर दो, हो गया। देखिए चलिए अब हमने इसको सेल से जोड़ दिया, जीरो वोल्टेज वी वोल्टेज विभवांतर वी, ये हो गया वी, ये हो गया जीरो, हो गया ये यक्स, ये यक्स, ठीक, ये जीरो है ही, ये वाई, अच्छा सॉरी तो कोई मतलब तो नहीं है इसका, यहां से मिला दें तो कोई मतलब नहीं है, ये वाई, ये वाई, जेड करूं या ना करूं मुझे तो नहीं लगता है कि जेड की जरूरत है, कोई मतलब नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ पर जेड कर भी दूं, यहाँ एक पॉइंट ले लूं ऐसे, यहाँ जेड कर दूं, यहाँ जेड कर दूं, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, केवल यहाँ क्रॉसिंग है, चलो भाई अब
इसको मैं जीरो ले ले रहा हूँ, जीरो। अरे यार जीरो तो यहाँ है ही ना, यहाँ तो जीरो रेजिस्टेंस लिया हूँ, इसको क्या मान लूँ एम, क्या मान लूँ एम मान लूँ, विभव यहाँ का एम है, ठीक है। चलो देखो भाई ये दोनों, चलो जेड ले लिया, ठीक है किया, ये दोनों रेजिस्टेंस यक्स और जेड के बीच में मिले हुए हैं ना, के बीच में जुड़े हुए हैं यक्स और जेड, यक्स और जेड के बीच में, तो क्या इसको गायब कर दूं, इसको आर बाई टू कर दूं, ये जेड और वाई के बीच में, ये भी जेड और वाई के बीच में, तो आर बाई टू कर दूं, इसको भी गायब कर दूं, जीरो और एम के बीच में, सॉरी जीरो वाई और एम के बीच में, वाई और एम के बीच में, इसको बाई टू करके इसको भी गायब कर दूं, यक्स और एम के बीच में, यक्स और एम के बीच में, इसको भी गायब कर दूं, मतलब ये पूरा नीचे वाला गायब, नीचे और ये सॉरी यार वी और यक्स ये जो था, वी और यक्स के बीच में था, वी और यक्स के बीच में, ये भी क्या हुआ आर बाई टू, इसको भी गायब कर दूं। अब देखो भैया कमाल, कमाल देखो, यहां से अब तो हो गया सब काम, यहां से करंट गया आई, ये तो एक्सिस है, यहां आई ही है, यहां आई वन, यहां आई टू, ठीक है। फिर ये आई वन आई टू मिल करके यहां भी आई टू ही होगा, यहाँ आई वन ही होगा, यहाँ निकल जाएगा क्या आई, क्लियर। चलो भाई जब करोगे ना, जब देखोगे कि ये फोल्डिंग सिमेट्री है, बस नीचे वाला मिटा के ऊपर वाला आधा कर दो, नीचे वाला मिटा के ऊपर वाला आधा कर दो, करंट सप्लाई करके देख लो। अब देखो इसमें आई वन करंट जा रहा है, कि ये दोनों क्या हुए, क्या हुए बताओ, सीरीज में हुए, आर बाई टू, आर बाई टू कितना हो गया आर बाई टू, आर बाई टू कितना हो गया आर। अब ये दोनों किस क्रम में है, समानांतर क्रम में है, ये आर, इसका रिजल्टेंट आर, इसका रिजल्टेंट आर, ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में, इनका इक्विवेलेंस क्या होगा, इसका इसका। चलो भाई कर देता हूँ, नहीं तो भी कहोगे सर क्या इसी घास पांच कर दिए, आ आ चलो इसका भी ले देता हूँ, आर बाई टू, आर बाई टू आ, यह देखो ठीक, पॉइंट ए ये पॉइंट बी, ये आर बाई टू, ये भी आर बाई टू हो जाएगा यार, आर बाई टू, ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बाई टू, तो क्या होगा आर बाई टू, इसका आर बाई टू, इसका आर बाई टू बी हुआ, तो अब सब सीरीज में हो गए, आर ई बराबर आर बाई टू प्लस आर बाई टू प्लस आर बाई टू, थ्री आर बाई टू। ये भाई सबके लिए नहीं है, जो अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, जिनको कंपटीशन में बैठना है उनके लिए है ये, जो एकदम वही कभी कभी दर्शन कर लिए उनके समझ में तो आएगा ही नहीं, नोट करें प्लीज। चलिए भाई ये सर्किट देखिए जरा, इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, इसमें केवल ये सिमेट्री है, फोल्डिंग एक्सिस हो सकती है, फोल्डिंग सिमेट्री हो सकती है, सॉरी फोल्डिंग सिमेट्री हो सकती है, ये फोल्डिंग कैसे जरा देखो, आर 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 नहीं इसको नहीं लेंगे, आर आर इसको भी छोड़ो, और ये फोल्डिंग वाले ऊपर नीचे होता है ना, तो इसको अगर हम पलट दें तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, लेकिन छोड़ो क्या जरूरत है, अगर इसका यक्स तो इसका यक्स, पोटेंशियल
इसका एक्स तो इसका एक्स, अगर इसका वाई तो इसका वाई, ध्यान दो। और ये दोनों तो इसके बीच तो निकालना है, मानता हूं कि इसका पोटेंशियल ए है, इसका पोटेंशियल बी। चलो भैया खतरे की घंटी। अब देखो ये एक्स इसमें धारा जीरो, इसमें करंट कितना है, करंट बराबर जीरो होगा, इसलिए इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। ठीक, देखो ये एक्स और वाई इनका किन बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, एक्स और वाई, ये किसके बीच जुड़ा हुआ है, एक्स और वाई, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई टू, गायब कर दिया इसको, चलो गायब कर दिया। अब यहां पे देखो इसमें और इसमें विभवांतर कितना है, जीरो है, इसमें करंट कितना होगा, जीरो, इसका मतलब ए भी बेकार है, कोई मतलब इसका नहीं। ये देखो ए और वाई के बीच जुड़ा हुआ है, ए भी ए और वाई के बीच में, इसलिए आर बाई टू यह भी गायब गायब। ये देखो एक्स और बी के बीच जुड़ा हुआ है, ये भी एक्स और बी के बीच जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में है, इसलिए यह भी गायब, ये क्या हो गया, आर बाई टू। अब आपकी सर्किट क्या बन रही है जरा देखिए, पहले ये तो बेचारे गायब हो गए, इसमें करंट ही नहीं बह रहा था क्योंकि विभवांतर जीरो था। ठीक है, अब आपकी सर्किट ऐसे बन रही है। आपका ये, फिर आपका आया ये, फिर आपका आया ये, आपका आया ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ओके बेटा, अगर इसमें हम सेल जोड़ दें, क्या जोड़ दें, सेल जोड़ दें, तो ये करंट यहां से आएगा, बोले यार यहां से करंट आई आया, ये आई वन, ये आई टू, ये आई वन यहां तक आएगा, और ये आई टू यहां जाएगा, फिर यहां आ जाएगा आई। ठीक, ये कितना था R बाई टू, ये कितना था R बाई टू, ये कितना था R बाई टू, ये तो R ही है भैया, इसका तो कुछ नहीं हुआ। अब ये देखो ये तीनों क्या हैं, सीरीज में है, तीनों क्या हैं, सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंस R डैश बराबर कितना हुआ, R बाई टू प्लस R बाई टू प्लस R बाई टू, थ्री R बाई टू। अब थ्री R बाई टू और R किस में है, थ्री मतलब अब ऐसे हो गया, जरा देखो ए है ए बी है, ए बी, अब इसके साथ जो है ये आर ओम का है, इसके साथ जो ये रेजिस्टेंस हो गया ये थ्री आर बाई टू का हो गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो वन अपान आर ई बराबर वन अपान आर प्लस वन अपान थ्री आर बाई टू, बोलो भाई ये हो गया बराबर वन अपान आर प्लस टू अपान थ्री आर, एलसीएम कितना हो गया, दिख रहा है कि नहीं यार, अभी तक तो दिख रहा है, एलसीएम कितना हुआ, थ्री आर, यहां तीन सॉरी तीन और तीन एक तीन दू बराबर आर ई बराबर कितना हुआ, फाइव अपान थ्री आर, वन अपान आर ई बराबर, तो आर ई बराबर थ्री आर अपान फाइव, लेट मी चेक द आंसर, करेक्ट है, करेक्ट आंसर, नोट इट प्लीज। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं बना रहा हूं, कैसे बनाऊं यार, जानते हो कि मेरा हाथ जो है सही नहीं रहता, सब कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ होती रहती हैं। अब यहाँ से ले लो यू, यहाँ से ले लो यू,
यहाँ से ले लो यू, यहाँ से ले लो यू, ठीक है। अब थोड़ा सा बीचों बीच नहीं आया है, बीचों बीच नहीं आया है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ले लो यू और यहाँ से ले लो यू, ठीक है। जितने पार्ट है सब में रेजिस्टेंस लगा दो, सब में रेजिस्टेंस लगा दो। चलो बताता हूँ, चलो भाई अब ये सर्किट देखो। अच्छा सही से बताओ, ऐसी सर्किट को देखने के बाद होश तो उड़ ही जाएंगे। इसमें दो सिमेट्री लग सकती है बेटा, मिरर, यहाँ से अगर काटो ऐसे तो मिरर सिमेट्री। अगर टर्मिनल को मिला देता हूँ, टर्मिनल को मिला देता हूँ, कौन सी फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग थोड़ा सा आसान होता है, फोल्डिंग सिमेट्री। चलो भाई अगर ये मान लो ये तो यहाँ का ये वी और जीरो मान लिया सेल का, ये हो जाएगा वी, ये हो जाएगा जीरो, ठीक। अब बचा ये पॉइंट यक्स, ये पॉइंट क्या बचा, यक्स बचा ना। तो अगर सॉरी अगर ये यक्स है, इसके ठीक ऊपर कौन सा पॉइंट बेटा, ये यक्स जान लो। अगर ये वाई है इसके ठीक ऊपर, ये वाई है मानता है, ये पी है, ये क्यू है, ये यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। अगर ये जेड है बेटा, इसका क्या मान ले रहा हूँ, जेड, ठीक है। अब देखो कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अब देखो ये वाला है, इसको क्या मानूँ, एम, ये क्या हो गया एम, और कोई बचा तो नहीं है, हाँ बचा 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 ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये अगर ये एन, ये क्या हो गया एन हो गया, मेरे ख्याल से अब नहीं बचा। चलो देखो ये रेजिस्टेंस वी और यक्स के बीच में, ये भी वी और यक्स के बीच में, हमने कहा नीचे का मिटा दो सब बाई टू कर दो, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि वी यक्स के बीच में, वी यक्स के बीच में समांतर क्रम में है, इसलिए गाया ये क्या हुआ आर बाई टू। ये देखो ये यक्स और पी के बीच में, ये यक्स और पी के बीच में, इसलिए आर बाई टू ए गया, ठीक है। ई एन था नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये तो वाई था यार, ये यक्स था, यक्स और वाई के बीच में ना, और ये क्या है यक्स और वाई के बीच में, ये गया, ये वाई और एन के बीच में, ये वाई और एन के बीच में बाई टू, ये गया, एन और जेड के बीच में, ये भी, ये भी एन और जेड के बीच में आर बाई टू, ये गया, ठीक है। ये जेड और एम के बीच में ये, और जेड और एम के बीच में कौन, देखो जेड और एम के बीच में ये है, ये दोनों, ये गया, ये गया, ये एम जीरो के बीच में, ये एम जीरो के बीच में, ये गया आर बाई टू, ये गया, ये क्यू और एम के बीच में, ये क्यू और एम के बीच में, ये गया ए बाई टू हो गया, ठीक है ना। अब आपके पास कौन सी सर्किट बची, ये वाली बच गई, ध्यान दीजिए यह सर्किट आपके पास बच गई, ये वाली सर्किट देख लीजिए। कहेंगे साहब आप तो मिटा देते हैं, हम क्या करें भाई, तो तुम क्या करो, ये क्या बताऊं कि क्या करोगे। चल ये बी हो गया, ओके। चलो आधा मामला तो साफ हो गया, इतनी बड़ी सर्किट थी, छोटी सर्किट बन गई, छोटी सर्किट बन गई। चलो यहां से करंट फ्लो करा दो आई, यहां आई वन, यहां आई टू, ये दोनों, ये दोनों यहां भी क्या होगा आई टू, यहां क्या होगा आई वन। अब ये इसमें भी आई वन, इसमें भी सब, ये भी आर बाई टू है यार, आर बाई टू, ये आर बाई टू, आर बाई टू सीरीज में है, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा आर। चलो अब बनाता हूं, चलो भाई आर बाई टू, आर बाई टू,
ए आर बाई टू ए आर बाई टू सीरीज में है, ये क्या बन गया आर। अब ए आर बाई टू जोड़ दो आर, ये हो गया। चलो वही कहानी यहां भी है, आर बाई टू आर, आर बाई टू आर बाई टू आर, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी हो गया। दिख रहा है कायदे से? हाँ दिख रहा है। आर बाई टू हमने कहा कि ये दोनों समांतर क्रम में, क्या है समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम में, तो ये क्या हो गया, ये मिटा दो इसको R बाई टू, ये क्या हो गया R बाई टू, इसको मिटा दो, ये भी R बाई टू है। आप बताओ बेटा सब के सब कहाँ है, सीरीज में है, तो आर ई बराबर R बाई टू प्लस R बाई टू प्लस R बाई टू प्लस R बाई टू, फोर आर बाई टू बराबर टू आर, आर ई कितना निकल आया टू आर। ओके अगर बेटा ये सिमेट्री न लगाते इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना क्या था, बहुत मुश्किल था। अब मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे जो कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे उसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगला एक वीडियो में और दूंगा आपको कि ये पोटेंशियल मेथड क्या दूंगा, अभी जैसे पोटेंशियल मेथड लगाए थे इसमें फोल्डिंग सिमेट्री में वैसे ही लगेगा एक और वैसे जब व्हीट स्टोन सेट पढ़ लेंगे हम लोग कायदे से व्हीट स्टोन ब्रिज, तो और भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आसान हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ तक बस वही पोटेंशियल मेथड तक बता करके आपसे नमस्ते टाटा बाय बाय करूँगा। आपको एक डीपीपी भी मिल गई है, बता दिया था 10 सवाल उसमें भी हैं, लगा लीजिएगा। अब थोड़ा सा मेरे लिए बहुत कठिन काम होता है बेटा, एक कमाऊ चैनल तो है नहीं कि मेहनत करूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ फिर यहाँ पढ़ाता हूँ, उम्र भी जानी रहे हो अब नहीं हो पाएगा। केवल मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कम से कम मैं छोड़ के जाऊँ यह दुनिया या शिक्षण कार्य छोड़ूँ, तो बच्चे हमारे अगर याद करें तो हमको खोलें और देख लें। जैसे सर इस उम्र में भी इतना मेहनत करते थे, और कोई मेरा मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच अगेन।